किसान विरोधी कृषि कानून वापस लेने की मांग पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में धरना, भारतीय खेती किसानी कंपनी के हवाले करने वाले प्रधानमंत्री का पुतला फूका, क्यामुद्दीन अंसारी। आरा सदर प्रखंड मुख्यालय पर अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले किसानों ने आज तीसरे दिन धरना दिया तथा भारतीय खेती किसानी को कंपनी के हवाले करने के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला फूका गया। किसान विरोधी कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में तथा कृषि बाजार समिति पुनः बहाल करने की मांग, आरा सदर प्रखंड के धान क्रय केंद्र खोलकर MSP पर 1868 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद गारंटी की मांग पर था। इस धरना की अध्यक्षता किसान नेता हरराम सिंह ने किया। प्रखंड मुख्यालय गेट पर एक सभा का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य व इंसाफ मंच के राज्य सचिव क्यामुद्दीन अंसारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार किसान विरोधी है तथा भारतीय खेती किसानी को नष्ट करने पर तुली है। देश का किसान कंपनी राज के खिलाफ खेती किसानी को बचाने के लिए आंदोलनरत है और हम उस आंदोलन के समर्थन में आरा में धरना दे रहे हैं। माले नेता ने कहा कि सरकार वार्ता का दिखावा कर रही है। क्यामुद्दीन अंसारी ने कहा कि हम बिहार में कृषि विपणन समिति को पुनः बहाल करने की मांग करते हैं। किसान नेता हरराम सिंह ने कहा, हम अपने आंदोलन के बल पर सरकार को बाध्य करेंगे कि वे किसानों का धान MSP 1868 रुपए प्रति क्विंटल खरीदे। आज के आंदोलन में शामिल किसानों में कॉलेज चौधरी कामता प्रसाद, भिखारी पासवान, छात्र नेता गुड्डू यादव, राजन उर्फ फैज, इस्लाम खान, कपिल मुनि, पंडित हरराम उर्फ क्रांति, इजहार सत्यदेव पासवान, राम निवास बींद। कृषि कानून को लेकर देश में किसान विरोधी तीन कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर के आंदोलन चल रहा है। हम उस आंदोलन के समर्थन में भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि आप यथाशीघ्र किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानून वापस लें और बिहार में जो बाजार समितियां भंग कर दी गई हैं, कृषि बाजार समिति, उसकी पुनर्बहाली हो और आरा सदर प्रखंड में भी धान क्रय केंद्र का केंद्र खोला जाए और MSP पर जो 1868 से 1888 है उस पर किसानों का धान खरीदा जाए। ऐसा नहीं होगा तो हम आंदोलन को जारी रखेंगे और जब तक तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं होते हैं हमारा यह आंदोलन चलता रहेगा। इसलिए कि नरेंद्र मोदी सरकार